हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म कैसी है, इस फिल्म को लेकर ऑडियंस कितने एक्साइटेड हैं, और ये फिल्म हिट हो गई है या फ्लॉप। आपको आ दें, आज सैटरडे है, नॉन वर्किंग डे है अधिकतर प्लेसेस पर, लेकिन बावजूद इसके कलेक्शन में हमें कोई इतना कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रहा है, और ये फिल्म कमा रही है आज केवल 3 करोड़ रुपये, जहाँ पर फिल्म का टोटल इंटरनेट कलेक्शन हो चुका है 95 करोड़ प्लस। क्या लगता है कि वाकई इस फिल्म में अभी भी इतना पोटेंशियल बाकी है कि फिल्म 25 करोड़ और कमा पाए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म एक एवरेज हिट फिल्म मानी जाएगी, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि फिल्म ने अपने बजट की रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट 30 से 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, क्योंकि फिल्म का इंटरनेट कलेक्शन हो चुका है 195 करोड़ रुपये, इंडिया का कलेक्शन हो चुका है 110 करोड़ प्लस। तो फिल्म ने वहीं पर ओवरसीज़ में भी यानी कि आउटर कंट्रीज़ में भी 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है, यानी कि फिल्म ने सीधे सीधे कम से कम 160 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, और जो बजट है फिल्म का वो है केवल 120 करोड़ रुपये का, यानी कि फिल्म ने अपने बजट की रिकवरी के बाद अभी तक 40 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया है, और कहीं ना कहीं जो उसको वर्डिक्ट मिल रहा है वो है एवरेज हिट का। लेकिन इस फिल्म को जो वर्डिक्ट मिलेगा एक्चुअल में, वो मिलेगा तब जब ये फिल्म इंडिया में अपने बजट को रिकवर करेगी। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई इस फिल्म में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि फिल्म इंडिया में 120 करोड़ कमा ले? आपकी फिल्म को लेकर जो भी हो कमेंट कर सकते हो।